चलिए जी कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। सी ए इंटर की हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं दो क्लासेस लगाकर, ठीक है। उसके बाद हमने चार्जिंग सेक्शन में एक क्लासेस लगाई थी और रजिस्ट्रेशन के अंदर दो क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, तो टोटल लगभग 10 घंटे का कोर्स हमारा हो गया है। तो अगर किसी ने अभी तक वो वाली पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो सी ए इंटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से वो सारी क्लासेस को देख लेना। और अगर क्लासेस के अंदर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना कि सर ये डाउट है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो वो बताना, ठीक है। बात कर रहे थे हम सेक्शन 25 की, ठीक है ना। तो सेक्शन 25 हमारा जो हेडिंग है वो बात करता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। अब ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करें तो सेक्शन 22 में हमने बात देखी थी कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है लिमिट वाइज। तो वहाँ पर हमने देखा था कि 10 लाख की लिमिट थी, 20 लाख की लिमिट थी, 40 लाख की लिमिट थी। तो हमने उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट होती है, जो कि आज की डेट में 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं सेक्शन 22 के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर 10 लाख की लिमिट थी, तो अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी और एक नॉर्मल स्टेट होती थी तो वो हम लिमिट रिड्यूस हो जाती थी। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 24 पढ़ा था, तो सेक्शन 24 में क्या था, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता था, कुछ कंडीशंस थी, ठीक है ना, कि भाई इन इन केसेस के अंदर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो हमने वो लास्ट क्लास में देख लिया था, कुछ आपके फाइनल कोर्स में है, सी ए इंटर में नहीं है, तो उसे हमने एक बार रीड कर लिया था, पूरा डिस्कशन नहीं करा था। इसके अलावा हमने सेक्शन 23 पढ़ा था, तो सेक्शन 23 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि किस किस व्यक्ति को वो एग्जेम्प्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन लेने से। तो होता क्या था कि सेक्शन 22 और सेक्शन 24 हमारे को ये बताता है कि किन किन केसेस में तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना है, सेक्शन 23 ये कहता है कि इन इन केसेस में तुम्हें नहीं लेना है। इसके बाद हमने स्टार्ट करा था सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 हमारे को बताता था प्रोसीजर कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, कितने दिनों के अंदर लेना है। तो जब हम सेक्शन 25 पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ये सारी की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं, ठीक है। तो जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 में हमने क्या देखा था कि हमारे को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है ना। जिस दिन हम लायबल हो गए, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। सर क्या होगा अगर 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन ले, तो भाई अगर आप 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन लोगे तो एक रूल, ठीक है ना, 10 आ जाएगा आपकी पिक्चर में। और ये जो रूल 10 आ जाएगा आपकी पिक्चर में आपको बड़ा परेशान करने वाला है। सर क्या कहेगा रूल 10, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि भाई जब भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे, ठीक है ना, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर एक ऐसा केस था कि जिसमें आप एक स्टेट में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, वो कौन सा केस था, हमारा एससी जड़ का केस था। तो एससी जड़ हमने पढ़ा था कि एससी जड़ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपका, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर कपिल जैन है, कपिल जैन के 2 GST नंबर है, एक गाज़ियाबाद में और एक एससी जड़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना, कोई व्यक्ति सोचे क्या मैं एक GST नंबर से काम चला लूँगा, तो आंसर इज़ नो। आपको एससी जड़ के लिए, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या एससी जड़ डेवलपर हो, आपको उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारा सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो बात करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था, इसके बाद की जो हमारी कहानी थी उसमें क्या था कि भाई अगर मैं खुद चाहूँ, मैं एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा था वैसे तो भाई एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना, उससे ही काम आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन देखी थी कि भाई एक व्यक्ति था जिसका गाज़ियाबाद में एक शोरूम था और एक शोरूम उसका गोरखपुर में था, तो अगर गाज़ियाबाद में एक शोरूम है और एक गोरखपुर में है, तो इस सिचुएशन को आप समझिएगा, ठीक है, उसे मैनेज कीजिएगा कि भाई गाज़ियाबाद में भी और गोरखपुर में भी है, ठीक है। हो सकता है इन दोनों अकाउंटेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही हो और ये एक दूसरे को डिटेल प्रोवाइड ना करते हो। तो उन्होंने कहा क्या सर हम इस केस में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एससी जड़ वाला केस नहीं है ये, लेकिन यस फिर भी आप
इस केस में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एक गाज़ियाबाद के लिए ले ले, एक गोरखपुर के लिए ले ले। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपके, ठीक है ना, मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, क्या है जी, अगर आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं तो आप एक स्टेट में, ठीक है ना, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन ये आ सकता है कि लेट सपोज कि मेरा लक्ष्मी नगर के अंदर सर एक ऑफिस है, क्या मैं उस ऑफिस पर, ठीक है ना, एक ही जीएसटी नंबर तो मेरा है और मेरे पास पैन नंबर भी है कपिल जैन का, तो मैं उस प्लेसेस पर दो रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ क्या उस पैन नंबर के अंदर? तो मेरा आंसर रहेगा नो। क्यों रहेगा ये आंसर नो? यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, प्रोवाइडेड डैट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अगर आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एग्जाम में इस वाले पॉइंट पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, आगे चलकर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसके अलावा जो हमने बात करी थी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की, कि भाई वैसे तो आप ना तो लायबल हो सेक्शन 22 में और ना ही आप लायबल हो सेक्शन 24 में, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लो, तो आप इस वाले केस में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन जैसे ही तुमने सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 से वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, तब आप लायबल हो जाओगे किस चीज़ के लिए, सारी रिटर्न्स फाइल करने के लिए, और जो जो एक्ट एक रजिस्टर्ड पर्सन पर एप्लीकेबल होता है वो आप पर भी हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तो वॉलेंट्री लिया है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या वॉलेंट्री जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेता है क्या उसे सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं? आंसर इज यस, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 25 सब सेक्शन 6, जिसमें बात ये कह रहा था कि भाई अगर, ठीक है ना, अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आपके पास पैन नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पैन नंबर के आपको, ठीक है ना, जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, इसका जो एक्सेप्शन था वो कहाँ पर पढ़ा था हमने? वो पढ़ा था हमने सब सेक्शन 7 में, क्योंकि यहाँ पर सब सेक्शन 7 स्टार्ट होता है नोट विद स्टैंडिंग से, और ये क्या कह रहा होता है? नोट विद स्टैंडिंग से ये कह रहा होता है कि भाई अगर आप, ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट हो, क्या हो जी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिसके पास अपना पैन नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो, ठीक है, बिना पैन नंबर के भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर हमने देखा था कौन से डॉक्यूमेंट, जो कि पासपोर्ट वगैरह की बात थी। तो ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे इसका, कि क्या क्या इसका एनालिसिस बनता है, और पूरे सेक्शन को आज कंप्लीट करेंगे सेक्शन 25 को। ठीक है, रेडी है आप? ठीक है, पिछली क्लासेस में कोई डाउट है तो आप जो नंबर है हमारा उस पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना रखा है, ठीक है, उस पर आप अपने सीए इंटर से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है, ये सब आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज की भी तैयारी करने की सोच रहे हैं कि आपके टेस्टेज वगैरह शुरू कर दें। चलिए, तो अब हमारे को जो बाकी सेक्शन बचे हैं वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। हम बाकी बात करते हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 की। सर सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 कहता क्या है, इस बात को समझिएगा। सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 बात करता है कि भाई वेयर ए पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। कैसे लायबल है? हो सकता है उसकी टर्नओवर 50 लाख की है और वो लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा। सर ऐसा कैसे हो सकता है लायबल है नहीं ले रहा? कई लोग होते हैं वो कहते हैं यार जीएसटी में ना जीएसटी नंबर नहीं लेना है, झंझटबाजी है, ठीक है, जब गवर्नमेंट पकड़ेगी तब की तब देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 बनाया। देखिए सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 क्या कहता था कि तुम पर जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है ना, तुम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है फिर भी तुम रजिस्ट्रेशन ले लो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। और जो सेक्शन 25(8) है इसे बोला जाता है शिव मोटो रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, शिव मोटो रजिस्ट्रेशन। अब सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था लेकिन तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो किसकी इच्छा से? ये डिपार्टमेंट की इच्छा होगी और डिपार्टमेंट आपको पकड़कर आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है ना। शू मोटर रजिस्ट्रेशन का मीनिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शू मोटर रजिस्ट्रेशन। तो कई लोग सेक्शन 25(3) को लिखे आएंगे, नहीं भाई
सेक्शन 25(3) क्या है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, इसे वर्ड आएगा जब क्वेश्चन आएगा तो ये बात करेगा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जहां पर बात होती है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं अपनी इच्छा से। श्यू मोटो का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट की इच्छा। किसकी इच्छा है? डिपार्टमेंट की इच्छा। तो यहां पर वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो सर डिपार्टमेंट की इच्छा कब होती है? कि भाई डिपार्टमेंट ने कोई सर्च करी, कोई सर्वे करी, या अपने कोई भी गुप्तचर भेजे, उससे उन्हें पता लगा कि ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है लेकिन ये रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या करती है? उसके पास जाती है, उससे कहती है कि भाई आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो क्योंकि आप हमारे हिसाब से लायबल हो रजिस्टर्ड होने के लिए, बट ठीक है ना, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, लेकिन तुमने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, द प्रॉपर ऑफिसर मे, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर ऑफिसर की इच्छा चलेगी, मे विदाउट प्रेजुडिस, ठीक है ना, टू एनी एक्शन। अब उस पर कुछ और एक्शन तो लिया ही जाएगा कि तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो तुम पे पेनल्टी वगैरह हम लगाएंगे, लेकिन बाकी एक्शन जो होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, वो आपको कह सकता है कि भाई आपको, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्टर सच पर्सन इन सच मैनर। तो इसका मैनर क्या है? इसका मैनर है रूल नंबर 16, ठीक है, सेक्शन नंबर क्या है? 25 सबसेक्शन 8, और रूल नंबर क्या है? 16, तो 8 का दोगुना, ठीक है। तो रूल में क्या बात बोली गई है अभी हम आगे डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल ये कहता है कि भाई जीएसटी ऑफिसर आएगा, आपकी इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा, और वो कहेगा यार हमारे को लग रहा है कि ना तुम्हें जीएसटी नंबर लेना होगा, ठीक है ना। अब तुम्हें लग रहा है तो इस वजह से ले ले क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है हाँ भाई, जब ऑफिसर को लग रहा है तो इस रजिस्ट्रेशन लेते क्यों नहीं हो? मैंने कहा साहब ऑफिसर को हो सकता है गलत भी लग जाए, ये भी बात ठीक है ना कि ऑफिसर को हो सकता है गलत भी लग जाए। कैसे गलत लग जाए? कि कई बार ऑफिसर आपको परेशान कर सकता है, और अगर आप यूपी बिहार में हो तो वहाँ तो ज़्यादा ही परेशान कर सकता है। तुम्हें फ़ोन करके कह देगा यार तुम ना रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है ना, जीएसटी की बहुत चोरी हो रही है, तुम रजिस्ट्रेशन ले लो। हम कह रहे भाई साहब हम लायबल ही नहीं है, हमारी टर्नओवर ही नहीं हो रही, कह रहे नहीं फिर भी ले लो। तो अगर ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने तुम्हें जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के लिए बोला तो तुम क्या करोगे? क्या जबरदस्ती ले लोगे रजिस्ट्रेशन? आंसर इज नो। आप क्या करोगे? आप अपील में जाओगे कि भाई साहब इन्होंने मुझे जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर रहे हैं ये मेरे को। तो भाई ऐसे केस में, ठीक है, जिसे बोला जाता श्यू मोटो, क्या बोला जाता? श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। तो श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन किसका? श्यू मोटो प्रॉपर ऑफिसर का, आपका श्यू मोटो नहीं। जब भी वर्ड आएगा श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन, श्यू मोटो कैंसिलेशन, तो ये जो श्यू मोटो वर्ड आता है तो कई बार लोगों को लगता है हमारी इच्छा चल रही है, नहीं हमारी इच्छा नहीं चलती, यहाँ पर इच्छा किसकी चल रही है? प्रॉपर ऑफिसर की। तो कहता है श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 25(8) रेड विद रूल 16। अब इसमें क्या है? वेयर पर्सुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, कि वो आपके यहाँ सर्वे कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, या कोई इंक्वायरी कर रहा है, द प्रॉपर ऑफिसर फाइंड्स, उसे लगता है कि भाई तुम्हारी सेल ना ज़्यादा है, तुम्हारी सेक्शन 22 के हिसाब से तुम्हारी टर्नओवर ज़्यादा है, फाइंड्स डेट ए पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, हैज़ फेल्ड टू अप्लाई फॉर सच रजिस्ट्रेशन, कि वो लायबल तो है इस एक्ट में लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, सच ऑफिसर मे रजिस्टर्ड द सैड पर्सन ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। तो वो क्या करेगा? तुम्हारे को टेम्परेरी बेसिस पे जीएसटी में रजिस्टर्ड कर देगा। तो इसे हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन, यूपी बिहार में ये बहुत चलता है, ठीक है ना, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, श्यू मोटो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 सबसेक्शन 8 का, ठीक है, वो आपको एक ऑर्डर पास कर देगा कि भाई मेरे हिसाब से तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, अब या तो वो सच में लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी टर्नओवर 50 लाख थी, तो जब उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो फिर अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और अपने आप को परमानेंट रजिस्टर्ड करा लेगा, ठीक है जी। लेकिन बातें ये भी हो सकती है कि उसकी टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड करा दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपील में जाएगा। अब अपील में अगर वो जीत जाता है तो बल्ले बल्ले, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और अगर अपील में वो हार जाता है
तो फिर उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, सच पर्सन सेल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब्ड विद इन 90 डेज। तो जिस दिन उसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिला, ठीक है, उसके 90 दिनों के अंदर वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा और अपना रेगुलर में रजिस्ट्रेशन ले लेगा, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो वो एक अपील फाइल करेगा, किसके अगेंस्ट, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट वो एक अपील फाइल करेगा, साहब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, ठीक है ना, जीएसटी में रजिस्टर्ड कर दिया जबकि मैं इसके लिए लायबल था ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, अपील में बात सुनी जाएगी, ऑफिसर को बुलाया जाएगा कि भाई आप किस तथ्य के आधार पर कह रहे हो कि इन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर देगा, साहब देखो इनकी बैंक अकाउंट में देखो 50 लाख 60 लाख रुपये 70 लाख रुपये आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनकी टर्नओवर क्रॉस है, तो इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है। और वहाँ पर असैसी अपनी बात बोलेगा, सर ये 70 लाख रुपये जो आया ना, मैंने लोन लिया है, मेरी सेल नहीं है, लोन है मेरे पास, तो मेरी सेल तो 5 ही लाख की है। तो यहाँ पर जब दोनों की बातें सुनेगी, ठीक है, अपलेट अथॉरिटी इन केस जब अगर हम अपील फाइल करेंगे, अपलेट अथॉरिटी अपहोल्ड द लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन, वो कह रही है नहीं नहीं भाई रजिस्ट्रेशन तुझे लेना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी। कि भाई अब वो अपील में गया और अपील हार गया, तो जिस दिन वो अपील हारा उसके 30 दिनों के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर अपील जीत गया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन एंड इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अभी हम ये डिस्कस करेंगे रूल 9 और 10 में, ठीक है ना जी, क्लियर है ये वाली बात, बोलो। अगर आपको शू मोटर रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ या नहीं, बोलो जी। अब मुद्दा ये आ सकता है कि जब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला, ठीक है ना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला, तो आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट से इफेक्ट होगा, इसे ऐसे एग्जांपल से समझिए। आज है 15 मार्च, ये क्लास हम 15 मार्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, 15 मार्च 2023 को हमारी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अब इस दिन यहाँ पर छापा पड़ गया, ठीक है, छापा पड़ने के बाद डिपार्टमेंट ने आज ही हमारे को एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया तो हमें 90 दिनों के अंदर किसके अंदर जाना था, या तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था या अपील में जाना था, हम चले गए अपील में। अब अपील का जो ऑर्डर आया वो लेट सपोज आया 15 सितंबर 2023 को, और हम अपील हार गए, और जब हम अपील हार गए तो उन्होंने बोला कि 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करा लेना। तो जब हम 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कराने गए 15 अक्टूबर, तो अब ये रजिस्ट्रेशन इफेक्ट कब से होगा, तो इन्होंने बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट होगी जो जीएसटीएन की, ठीक है ना, कहता जीएसटीएन देयर आफ्टर ग्रांटेड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ग्रांटिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन उसने आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया था वही डेट आपके रजिस्ट्रेशन की मानी जाएगी। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आप इस वाले एरिए पे जरूर फोकस करना, 25 सबसेक्शन 8, ठीक है ना, रेड विद रूल 16, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। चलिए, ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छा समझ आया होगा। हाँ सर, हमें ये वाला कंसेप्ट अच्छा समझ आया। अब हम पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं कि पूरा बाकी सेक्शन क्या कहता है। बात करते हैं सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 की, बात करते हैं सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 की, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी आपका मैं कोई कंसेप्ट भी ना छोड़ूं, चाहे वो स्टडी मटेरियल का है, चाहे वो एमसीक्यू का है, चाहे आरटीपी का है, जहाँ का भी है, मैं कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रखूँगा कि वो छूट जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है ये कंसेप्ट सर छूट गया, मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे बताइएगा, वो कंसेप्ट मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। अब ये जो सेक्शन 25(4) और 25(5) है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहीं ना कहीं कवर अप करेंगे, आगे भी डिस्कशन में आता रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शन को क्लोज करने के लिए एक बार इन दोनों सेक्शनों को कर लेते हैं। अब होता क्या है, इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये जो कपिल जैन है, ठीक है ना, अभी तक जीएसटी में ये नियम चल रहा है कि आप जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे आपको वहाँ पर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी में कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया सेंट्रलाइज और पूरे इंडिया में उससे काम कर लिया, ऐसा कंसेप्ट जीएसटी में नहीं है। इन फ्यूचर आ सकता है लेकिन अभी नहीं है। तो होता क्या है कि मेरी दिल्ली में भी एक ब्रांच है और मेरी यूपी में भी एक ब्रांच है, और दोनों का मालिक कपिल जैन ही है,
तो यहाँ पर लॉ में ये लिखा हुआ है कि भाई आपको दिल्ली के लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यूपी के लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हमने दिल्ली और यूपी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब मुद्दा ये आता है कि कई बार ऐसा होगा जीएसटी में कि जब इनका हमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं कि भाई कभी इन्होंने माल यहाँ पर भेज दिया, कभी इन्होंने माल यहाँ पर भेज दिया। तो जीएसटी वालों ने बोला कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो हम इस रिश्ते को क्या नाम दें। ठीक है, आपने सीरियल देखा होगा, एक आता है स्टार प्लस पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि कपिल जैन की जो दिल्ली की ब्रांच है और कपिल जैन की जो यूपी की ब्रांच है, इन दोनों के रिश्ते को क्या नाम दें। सर ये रिलेटेड पर्सन, अरे भाई कपिल जैन कभी कपिल जैन का रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये यूनिट मेरे ब्रदर की होती तो मैं कह देता रिलेटेड पर्सन है। लेकिन मुद्दा है कि ये कपिल जैन की ही दोनों यूनिट है, तो इन दोनों को एक रिश्ते का नाम देना है। तो जब इस रिश्ते को नाम देने की बात आती है तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 4, सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 पिक्चर में आता है और वो क्या कहता है जरा ध्यान से समझिए। कहता है पर्सन हु इज ऑप्टेन्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑप्टेन कर लिया या रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। मैं कपिल जैन हूं और मैंने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया है मुझे, या मुझे एक से ज्यादा लेना है, वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई कि एक से ज्यादा स्टेट में, एक दिल्ली है और एक यूपी। सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि कपिल जैन ने, अभी हम ऊपर पढ़कर आए, एक रजिस्ट्रेशन ले लिया गाजियाबाद में और एक रजिस्ट्रेशन ले लिया गोरखपुर में, जो कि दोनों ही यूपी में आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों जीएसटीएन के बीच का रिश्ता क्या है, या इस और इस जीएसटीएन के बीच का रिश्ता क्या है। तो कह रहे हैं इन दोनों का जो रिश्ता होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, कि इन दोनों के रिश्ते को हम एक नाम देंगे और उसका नाम होगा डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपके एग्जाम में दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है ना, आप डिस्टिंक्ट पर्सन के कंसेप्ट को बताइए, तो आप वहां पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक ही व्यक्ति दो रजिस्ट्रेशन ले विद इन सेम स्टेट और विद इन टू डिफरेंट स्टेट और वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी, जो भी कॉम्बिनेशन बनाओ, तो उन दोनों जीएसटीएन के बीच का जो रिश्ता होता है उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो लॉ में जब भी कभी आप आगे पढ़ोगे, जब हम सेक्शन 7 शेड्यूल 1 पढ़ा रहे होंगे, तो हम वहां पर जब बात करेंगे कि भाई एक जीएसटी नंबर ने दूसरे जीएसटी नंबर को सप्लाई करी, पैन नंबर सेम ही था, ठीक है, तो वहां पर उस ट्रांजेक्शन को नाम दिया जाएगा ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा, एज मैंशनड इन सेक्शन 25 सब सेक्शन 4। तो आपको यहां पर यह याद आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन तो चल रहा है हमारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का, लेकिन यहां पर इन्होंने बीच में दो सेक्शन डालकर इन दोनों जीएसटी नंबर के बीच का रिश्ता बताया है। तो ये क्लियर हो गया, तो 25 सब सेक्शन 4 के सामने बोल लिख सकते हैं आप कि डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, और इस एग्जाम्पल को यहां पर कोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहे, हाँ सर ये वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ठीक है, ये वाला रिश्ता क्लियर हो गया, हाँ सर ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें पता लग गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दिल्ली में मेरा एक जीएसटी नंबर है, क्योंकि मैं यहां पर टैक्सेबल गुड्स बेचता हूं और यहां पर मेरा जीएसटी नंबर है। यूपी के अंदर मैं सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स बेचता हूं, तो जब मैं यूपी के अंदर सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स बेचता हूं, क्या मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना है? सेक्शन 23 पढ़ चुके हम, तो वो कहता है नहीं भाई साहब, आपको यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो यहां पर दिल्ली में मेरा जीएसटी नंबर है, यूपी में मेरी एक बिल्डिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, भाई जहां से एग्जम्प्ट सेल कर रहा हूं तो है तो ना एक एस्टेब्लिशमेंट। हाँ सर एस्टेब्लिशमेंट तो है, एक बिल्डिंग तो है जहां से आप एग्जम्प्ट सेल कर रहे हो। अब ये कहता है कि कभी ऐसा हो सकता है
इसके बीच में और इसके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा अगर इसके और इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ पर तो जीएसटी नंबर है ही नहीं और यहाँ पर जीएसटी नंबर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस रिश्ते को नाम देना है, इस ट्रांजेक्शन को कुछ ना कुछ तो नाम देना है। हो सकता है कि जब ये ट्रांजेक्शन करें तो कुछ गड़बड़ कर दें इन ट्रांजेक्शन करने में। समझ में आ रही है मेरी बात कि यहाँ से माल भेज रहे हैं यहाँ पर और हमें पता ही एग्जाम सेल कर रहा है, इसे ITC मिलेगा ही नहीं, तो माल 1,00,000 का भेज रहे हैं और डिटेल में भर रहे हैं 20,000, तो ऐसी गड़बड़ की आशंका है। तो उन्होंने कहा भाई इस रिश्ते को भी नाम दो कुछ। तो उन्होंने कहा इस रिश्ते को क्या नाम दे, अगर GST नंबर होता तो हम नाम दे देते। उन्होंने कहा नहीं भाई इस रिश्ते को भी नाम दो। तो क्या लिखा गया लॉ में, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में, वेयर ए पर्सन हु ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया दिल्ली में, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, एक एस्टेब्लिशमेंट थी मेरी दिल्ली में, मैंने उससे रजिस्ट्रेशन ले लिया, हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, और मेरी दूसरी स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो इस और इस एस्टेब्लिशमेंट का क्या रिश्ता होगा, देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहां पर इनके रिश्ते को नाम देंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आप समझ में आ गया हो आपको, तो इस एग्जाम्पल में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इस यूपी वाली एस्टेब्लिशमेंट को देंगे। एक और एग्जाम्पल मैं डालता हूं, ठीक है ना, थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा समझिएगा। दिल्ली में मेरा लक्ष्मी नगर में GST नंबर है और मैंने एक नेहरू प्लेस में, दिल्ली के अंदर ही है ये, यहां से मैं एग्जाम सेल कर रहा हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा आप बताएं, तो सर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा उसे बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, आंसर इज रॉन्ग। क्योंकि यहां पर जब हम सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में रिश्ता बनाते हैं तो दो डिफरेंट स्टेट्स का होना जरूरी है, जबकि जब हम सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में बना रहे थे रिश्ता तो वहां पर सेम स्टेट की भी बात हो रही थी और डिफरेंट स्टेट की भी बात हो रही थी। तो यहां पर इन दोनों सबसेक्शंस में ये अंतर है। क्या अंतर है दोबारा से समझिए कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 तो ये कहता है आप दिल्ली में ही दो रजिस्ट्रेशन ले लो, या एक दिल्ली में ले लो या एक यूपी में ले लो, अगर आपके दो रजिस्ट्रेशन है तो हम आपको डिस्टिंक्ट पर्सन बना देंगे। सेक्शन 25 ठीक है ना, सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि भाई अगर आपकी दिल्ली में एक रजिस्ट्रेशन है और आप दूसरी जगह दिल्ली से एग्जेम्प्ट बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, उसे आप क्या बोलोगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर वो यूनिट आपकी दूसरी स्टेट में है तो आप उसे बोलोगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एग्जाम पर्पज के लिए ये दोनों टर्म्स को याद रखना है, ठीक है, इस दोनों टर्म्स को समझना है कि ये दोनों टर्म्स कहती क्या है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है, जिससे कि मैं आगे का सेक्शन करूं। चलिए अब हम आगे के सेक्शन पे चलते हैं। बहुत अच्छा सेक्शन, आपकी RTP में क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 2022 की RTP में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं अगला सेक्शन आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। जब GST आया तो इस बात को समझिएगा, तो GST में जब गवर्नमेंट GST को लाई तो गवर्नमेंट चाहती थी कि एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में जाए कि भाई GST नंबर लेना हुआ आसान, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स ने सबको GST नंबर दिए और किस बेसिस पर दिए, ठीक है ना, सेक्शन 25 सबसेक्शन 6 कि भाई आप एक पैन नंबर ले आओ और GST नंबर ले जाओ। तो हर व्यक्ति पैन नंबर लाता था, GST नंबर ले जाता था, दो दिनों के अंदर ही, एक दिनों के अंदर ही सबको GST नंबर बांटने शुरू कर दिए। अब जो लोग चोर होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सर कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने क्या करा, अपने रिक्शा वाले के नाम पर, अपने नौकर के नाम पर, सबके नाम पर GST नंबर लेना शुरू कर दिया
और जब ये सबके नाम पर जीएसटी नंबर लेना शुरू कर दिया और फेक बिलिंग करने लग गए कि 10 करोड़ की फेक बिलिंग कर दी, 20 करोड़ की फेक बिलिंग कर दी, आगे चैप्टर में आपको क्लियर होगा फेक बिलिंग क्या होती है। तो अब गवर्नमेंट को बड़ी समस्या हुई, क्योंकि पैन कार्ड तो बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी व्यक्ति 200 रुपये 250 रुपये लेता है आपका बना देता है, पेपर नहीं भी हो तो 300-400 रुपये लेके बना देता है। तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई कि यार पैन नंबर से हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो बड़े फेक रजिस्ट्रेशन होने लग गए, बोकस फर्में होने लग गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि पैन नंबर से ज़्यादा टफ है आधार कार्ड। आधार कार्ड में हम लोगों की उंगलियाँ ले लेते हैं, अंगूठा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आदमी पकड़ा जा सकता है। तो गवर्नमेंट्स ने क्या करा, सेक्शन 25 में जो सबसेक्शन 6 था उसके बाद 4 सबसेक्शंस को इंसर्ट किया, जिनका नाम था 6A, 6B, 6C और 6D। और इन 4 सबसेक्शन को इंसर्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पज क्या था कि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके, ठीक है भाई, 2017 से जीएसटी आया तो 17 में रजिस्टर्ड हुए, 18 में रजिस्टर्ड हुए, 19 में, 20 में, 21 में, तो इन्होंने कहा जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके आप ऐसा करो धीरे धीरे अपना आधार वेरिफिकेशन करा लो। पहला सबसेक्शन इंसर्ट किया गया कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो अपना आधार वेरिफिकेशन कराते रहे। गवर्नमेंट ने कहा भाई आप समय से इसे करा लेना, अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे, आप कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो जो लोग रजिस्टर्ड थे उन्हें सेक्शन 25 सबसेक्शन 6A से बांधा गया, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति कह रहा है सर आप, हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे को तो कह रहे हो कि आधार वेरिफिकेशन कराओ, नए रजिस्ट्रेशन वालों के लिए क्या करोगे। उन्होंने कहा हाँ भाई, नए रजिस्ट्रेशन को भी कह रहे कि इस डेट के बाद जो भी व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन कराएगा जीएसटी के अंदर उसे आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, अगर वो आधार वेरिफिकेशन नहीं कराएगा तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना बड़ा टफ कर दिया जाएगा। तो पहला जो सबसेक्शन इंसर्ट किया गया 6A, वो किसके लिए इंसर्ट किया गया भाई, वो इंसर्ट किया गया उन लोगों के लिए जिन लोगों को, मेरी बात से ध्यान से समझो, उन लोगों के लिए जो लोग जीएसटी में पहले से ही रजिस्टर्ड थे। और जो 6B इंसर्ट किया गया वो किस लिए इंसर्ट किया गया कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हो, आप अगर नया रजिस्ट्रेशन लेते हो, ठीक है ना, तो आपको नए रजिस्ट्रेशन लेने के साथ साथ आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने में मुश्किल होगी। दो चीज हो गई। अब आपको पता होगा कि आधार नंबर आपके पास तो है ना, सब लोगों के पास आधार नंबर, यस, लेकिन क्या कंपनी का आधार नंबर होता है, क्या पार्टनरशिप फर्म का आधार नंबर होता है, क्या जो HUF होती है उसका आधार नंबर होता है? आप कहोगे सर नहीं, उसका तो आधार नंबर नहीं होता। तो जब उसका आधार नंबर नहीं होता, जब उसका आधार नंबर नहीं होता तो उन्होंने कहा वो कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा भाई कंपनी के अंदर डायरेक्टर तो होते हैं, उनका तो आधार होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर तो होते हैं, उनका तो आधार होता है, HUF में कर्ता तो होता है, उसका तो आधार होता है, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी तो होते हैं, उसका तो आधार होता है, उनसे वेरीफाई करो। तो 6C बनाया गया। 6C किसके लिए बनाया गया? अदर देन इंडिविजुअल, कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके केस में क्या क्या चीजें होंगी, तो उसके लिए 6C बनाया गया। क्लियर हो गई कहानी? यस सर क्लियर हो गई। अब इसके अलावा गवर्नमेंट्स ने कहा यार ये तो सबके ऊपर लग जाएगा सेक्शन 6A, 6B, 6C, इसमें तो हम भी फंस जाएंगे। गवर्नमेंट्स ने कहा ना यार हमें मत करवाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, MCD डिपार्टमेंट्स। तो 6D में उन्होंने क्या लिख दिया कि भाई इन लोगों पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, इन लोगों को। तो ये 4 सेक्शन सबसेक्शन नए इंसर्ट हुए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए हाईली रेलिवेंट है, ठीक है। तो इन सबसेक्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं, आपकी RTP में क्वेश्चन मैंने देखा है उस क्वेश्चन को भी साथ के साथ करते हैं। क्लियर हो गए ये आधार ऑथेंटिकेशन की बला क्या है? हाँ सर क्लियर हो गए, ठीक है चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बात कर रहे हैं, 6A
एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कि जो व्यक्ति जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन, कि वो जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, और नहीं तो प्रूफ देगा कि भाई आधार नंबर है मेरे पास, इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि जो आधार नंबर से आपको वेरिफिकेशन कराना है, जो रजिस्टर्ड है, हम उसके लिए नोटिफिकेशन लाएंगे और आपको बोलेंगे कि कब कराओ। प्रोवाइडेड डेट इफ आधार नंबर इज नॉट असाइन टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उसे आधार नंबर नहीं मिला है, भाई ऐसा हो सकता है ना किसी को आधार नंबर मिला ही ना हो, तो उसे क्या बोला है कि उसे ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन देंगे, अल्टरनेट ऑप्शन कुछ भी हम देंगे कि भाई तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो या कुछ भी करा लो, या एंड वायबल मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन इन सच मैनर एज गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब, कि वो प्रिस्क्राइब करेगी कि अगर आप आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आप कुछ और करा लो। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने आधार के लिए अप्लाई कर दिया, नंबर आया नहीं, तो एनरोलमेंट आई डी है, एनरोलमेंट आई डी के बाद आप अपनी पासबुक लगा दो या पासपोर्ट लगा दो, उसके बेस पे आधार वेरीफाई करा लो अगर आधार नंबर आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक प्रोविजो इंसर्ट है, वो हमारा हर जगह चलेगा, देख रहे हो, वो हर जगह हमारा चलेगा, तो इस प्रोविजो को पहले ही पढ़ लेना, ठीक है ना। क्या कहता है प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, कि ना तो तुमने ऑथेंटिकेशन में गए, ना आपने आधार कार्ड दिया, अल्टरनेट और वायबल मीन भी आपने लिया, तो जो रजिस्ट्रेशन आपको अलॉटेड है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने आपको दिया है, शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, कि वो जीएसटी नंबर आपका इनवैलिड हो जाएगा, एंड द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच पर्सन डज नॉट हैव ए रजिस्ट्रेशन। और अब हम ये मान लेंगे कि तुम्हारे पे जीएसटी नंबर है ही नहीं, लेकिन तो क्या सर आज की डेट में सबने आधार वेरीफाई करा लिया होगा, तो आंसर इज नो, लेकिन कुछ लोगों को इन्होंने बोला कि तुम्हें आधार वेरीफाई कराना है। सर उन्हें कहां पर बोला, उन्हें बोला बेटा रूल 10B में। अब आप कहोगे सर ये रूल 10B हमारे तो पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं है, ऐसा होता है, तुम्हारे पूरे स्टडी मटेरियल में रूल 10B नहीं है, जरा ध्यान से देख लेना, अगर मिले तो मुझे बताना। लेकिन 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 सर क्या लेकिन हुआ क्या, मैं RTP पढ़ रहा था नवंबर 2022 की, आप भी RTP पढ़ते रहना भैया साथ के साथ, भैया मैं सोचना बाद में पढ़ेंगे, तो मैं नवंबर 2022 की RTP पढ़ रहा था, उसमें मैंने क्या देखा, एक क्वेश्चन देखा, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस है जरा पढ़ लेते, तो इस RTP में दो क्वेश्चंस थे जो बड़े ख़तरनाक थे। सर कौन से दो क्वेश्चंस थे, ठीक है बताता हूँ, जो बड़े ख़तरनाक है, पहला तो यही वाला क्वेश्चन था कि क्या लिखा हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST, एग्जामिन एंड डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि भाई आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्या नहीं है जी रिक्वायर्ड, जबकि अभी हम 6A क्या पढ़ कर आए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा तो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू एलोबरेट द रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। अब अगर यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाए तो आप क्या आंसर लिखोगे, यू हैव टू कोट सेक्शन 6A 25(6A) कि साहब सेक्शन 25(6A) ये कहता है कि आपको जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन एक डेट के बाद इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका आंसर देखोगे, इसके आंसर में क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से समझना, इस आंसर पे ज़रूर गौर कर लेना भाई, हमेशा जो इंस्टीट्यूट आंसर दे रहा है उस पे ज़रूर गौर कर लिया करो। सर क्या गौर करना है जरा पढ़ो, कहता है द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हाँ वो तो इनकरेक्ट है ही, आधार ऑथेंटिकेशन वाज हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, कि आधार ऑथेंटिकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैंडेटरी ही है, एज वेल एज एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के लिए भी, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किस में मैंडेटरी है,
ठीक है ना, 25(6)(b) में। और एग्जिस्टिंग वालों के लिए किस में मैंडेटरी है? 25(6)(a) में। विद रिगार्ड टू एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन 25(6)(a) स्प्लिट एट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल गो अंडर गो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजिशन ऑफ आधार कार्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एंड टाइम। यही दिया इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में, लेकिन सजेस्टेड में इसे एक्सटेंड कर दिया। क्या लिखा है? न्यू रूल 10(b) ऑफ द CGST प्रिस्क्राइब्ड द मैनर। अब ये जो न्यू रूल आया 10(b) का, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को मेल लिखना है हमने इसमें, और मेल लिखकर हमने क्या बोला कि भाई स्टडी मटेरियल के अंदर आपने रूल 10(a) तो पढ़ाया है हमारे को, लेकिन रूल 10(b) नहीं पढ़ाया। और जबकि रूल जो 10(b) है, ठीक है ना, जब आप एग्जाम में 10(a) रूल पढ़ा रहे हो तो 10(b) भी पढ़ाओ। और ये जो रूल 10(b) है, इसकी जो नोटिफिकेशन है, ठीक है ना जी, ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है, और आपकी RTP नवंबर 22 में इसमें सजेस्टेड आंसर में आंसर भी दे रखा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या ये रूल 10(b) नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये एप्लीकेबल होगा। सर मई 23 के लिए शायद नहीं है, लेकिन क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, RTP में है तो। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इंस्टीट्यूट का ICAI स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनकी RTP पढ़ रहे हैं, MCQ पढ़ रहे हैं, तो देयर मे बी चांसेस कि आपको कुछ कन्फ्यूजन आ जाए, ठीक है। तो ये इस कन्फ्यूजन को मैंने यहां पर क्लियर कराया और इंस्टीट्यूट से मेल डालकर इसका जवाब मांगा। लेकिन आपको सजेशन क्या है कि आप 10(b) भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 10(b) में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उन्हें GST में, ठीक है ना, आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। कैसे कैसे कराना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर कराएगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर कराएगा, कर्ता कराएगा, HUF है तो, ठीक है ना जी। और किन किन केसेस में बहुत मैंडेटरी है, अभी सबको नहीं बोला कि जो लोग सारे रजिस्टर्ड है 1.5 करोड़ लोग, सबके सब करा लो, सबको नहीं बोला। किन लोगों को बोला है कि अगर तुम रिवोकेशन फाइल करते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और रिवोकेशन फाइल करने जा रहे हो, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको कराना है। और अगर आप रिफंड लेने जा रहे हो तो आपको कराना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑल दो आपके मई 23 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है रूल 10(b), फिर भी मैंने आपको यहाँ पर आगाह कर दिया और अपने कर्तव्य से मुक्त हो गया। क्लियर हो गया रूल 10(b)? क्लियर हो गया सेक्शन 6(a)? क्लियर हो गया? यस सर। अब बात कर रहे हैं किसकी? सेक्शन 6(b) की, 25(6)(b), ठीक है। 6(a) आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हाँ सर 6(a) क्लियर है। चलो प्रैक्टिस कर रहे हो ना साथ के साथ? देखो अगर साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहे और कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछते रहे, तो आई बिलीव, ठीक है ना, आप एक अच्छा एग्जाम में करोगे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहे, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। लक्ष्मी नगर के आसपास रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, कभी भी टाइम लेकर आ सकते हैं। CA इंटर का स्टूडेंट होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ CA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, इस फैसिलिटी का कोई और मिसयूज़ ना करे। अब बात करते हैं 6(b) की। 6(b) क्या कहता है? ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कि हम एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस डेट के बाद जो भी इंडिविजुअल आएगा और अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उसे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगी, उसे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगी। हाँ हो सकता है आधार नंबर उसे ना मिलाओ, तो हम उसे क्या दे देंगे? अल्टरनेट और वायबल मीन दे देंगे, लेकिन उसे आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा। तो आज की डेट में जब आप GST नंबर लेने जाते हो और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराकर जाते हो तो 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और अगर आप कहते हो नहीं सर मैं तो नहीं करा रहा आधार ऑथेंटिकेशन, तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो उस केस में आपको 30 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो हम डिटेल में आगे एनालाइज में चर्चा करेंगे। तो 6(b) क्लियर हो गया। तो आप जब अपनी बुक से पढ़ रहे हो तो इसके सामने ही लिख दो, ठीक है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है ये, और 6(a) किसके लिए? ओल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। अब 6(c) क्या कहता है? 6(c) क्या है कि इंडिविजुअल, ऊपर जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारी एवरी इंडिविजुअल की बात चल रही थी, ठीक है ना, यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल की चल रही थी और यहाँ पर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन की चल रही थी,
ठीक है। अब 6C क्या कहता है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कि भाई हम एक डेट निकालेंगे, नोटिफिकेशन देंगे उस डेट को, एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल नहीं है वो ये बहाना ना बनाए हम पर आधार कार्ड नहीं होता, शैल इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर तुम्हें अब रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है ना, तो अगर इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन लेना है आधार वेरीफाई करो, और अगर अदर देन इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या करेंगे वो बोलो, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर गो ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ कर्ता, कि भाई तुम क्या करो, कर्ता का, क्या बोला जी, कर्ता का आधार नंबर ले आओ, मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार नंबर ले आओ, होल टाइम डायरेक्टर का आधार नंबर ले आओ, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का आधार नंबर ले आओ, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, अगर आपकी कोई मैनेजिंग कमेटी है उसके मेंबर्स है उसका ले आओ, अगर ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का ले आओ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ले आओ, ऑथराइज सिग्नेटरी का ले आओ, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन इन सच मैनर, लेकिन आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा अगर आप नया नंबर लेना चाहते हो। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, प्रोवाइडेड डेट, ये प्रोविजो सब में सेम ही चल रहा है, वी आर सच पर्सन डज नॉट हैव असाइंड आधार नंबर, तो उसे अल्टरनेट वायबल मीन्स दे देंगे, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। 6A किसके लिए, जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे अदर देन इंडिविजुअल है, उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा, इसके लिए रूल 10B ये जरूर निकाल कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो 6B है, ठीक है, किसके लिए, इंडिविजुअल जो नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं उनसे कह रहे भाई आप आधार से करा लेना जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। फिर 6C किसके लिए है, कि भाई जो इंडिविजुअल नहीं अदर देन इंडिविजुअल है, नया नंबर लेने जा रहे हैं कंपनी पार्टनरशिप, कि भाई अपने डायरेक्टर का उन सब का लिया ना। इसके अलावा 6D किसके लिए, तो क्या बोले कि द प्रोविजन ऑफ 6A 6B और 6C, कि जो 6A का प्रोविजन है, 6B का प्रोविजन है, 6C का, वो अप्लाई ही नहीं होंगे। किस पर अप्लाई नहीं होंगे, सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर ऑफ एज अ गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालकर अपने आदमियों को क्या कर दिया कि तुम एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, किसके अंदर, 25(6)(d) के अंदर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जब इसका सॉल्यूशन दिया जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना जी, तो सॉल्यूशन के अंदर इसका भी जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है, 25, ठीक है, 6D का, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 25(6)(d) का भी जिक्र होगा, ठीक है ना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि रूल 10B शैल नॉट एप्लीकेबल इन पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d), क्योंकि कुछ पर्संस को एग्जेम्प्ट कर रखा है आधार ऑथेंटिकेशन से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसे आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो आप बोल देना 25(6)(d) वालों को। तो ये 25(6)(d) क्लियर हो गया, बोलो भाई वेदर दिस इज क्लियर और नॉट, बोलो फटाफट, बोलो कमेंट बॉक्स में लिखकर बोलो यस सर दिस इज क्लियर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये आधार नंबर कहते किसे, अब ये मत करना पेपर पे लिख दो आधार नंबर और वही बन गया आधार नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल के लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन आधार नंबर शैल हैव द सेम मीनिंग, कि आधार नंबर का मीनिंग क्या होगा, एज असाइन टू इन क्लोज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आधार, ठीक है ना, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016, कि जो भाई इस एक्ट के अंदर आधार नंबर बोल लेते उसका मतलब यही था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, सेक्शन 25 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 ये क्लियर कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम एनालिसिस पर चलेंगे बाकी के 3-4 सबसेक्शंस को करके। चले आगे, हाँ जी, हाँ सर, चलो यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया है, चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन 25 सबसेक्शन 9 से आ सकता है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। सर क्या है एक्सेप्शनल, इस बात को समझिएगा,
कभी आप दिल्ली आओ तो दिल्ली में चाणक्यपुरी की तरफ जाना, तो वहाँ पर आपको पता क्या मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगी ठीक है ना नेपाल दूतावास, ठीक है ना, मान लो यूएस एम्बेसी, एम्बेसी समझ रहे हो ना, हर फॉरेन कंट्री इंडिया में अपना एक ऑफिस बना के रहती है कि कल को मान लो नेपाल से कोई व्यक्ति आया, कल को यूएस से कोई व्यक्ति आया और उसे इंडिया में कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो अपनी एम्बेसी के पास जाएगा कि भाई साहब मुझे समस्या आ रही है और आप मेरी समस्या का समाधान करो। तो आप न्यूज़ वगैरह में भी अक्सर सुनते होंगे ठीक है ना, अमेरिका में भारतीय दूतावास के पास हमला, ठीक है ना। तो ये जो एम्बेसीज होती हैं इनका काम जो होता है बिजनेस करना नहीं होता, ऐसे इंडिया की जो एम्बेसीज होंगी वो फॉरेन में होंगी और जो फॉरेन की एम्बेसीज है वो इंडिया में होंगी, ठीक है ना। इनका काम बिजनेस करना नहीं होता, इनका काम सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे देश के जो नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं या वो घूमने अगर आए हैं तो उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, ठीक है ना। हो सकता है कि मान लो पंजाब से कोई व्यक्ति ठीक है ना चला गया यूएस या यूके, बहुत लोग जाते हैं, अब वहाँ पर जाकर उसे रात को नींद नहीं आ रही, वो होटल वालों से बार बार कहे जा रहा है कि भाई साहब मुझे नींद नहीं आ रही यहाँ पर, मुझे ना सिराना ला कर दो तभी नींद आएगी, मुझे सिराना ला कर दो मैं तभी सो पाऊँगा। अब होटल वाले परेशान, यार पता नहीं क्या मांग रहा है, सिराना सिराना कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या मांग रहा है, तो वो क्या करेंगे, इंडियन एम्बेसी को फ़ोन कर देंगे कि यार इंडिया से तुम्हारा कोई व्यक्ति आया पंजाब से और वो सिराना सिराना मांग रहा है पता नहीं क्या। तो फिर वो एम्बेसी वाले कह देंगे होटल वाले को, भाई ऐसा करो उसे ना तकिया दे दो, पिलो तकिया दे दो, पंजाब में पिल्लो तकिए को सिराना कहते हैं। वो कहेगा इतनी सी बात यार, ठीक है। तो इस तरीके से एम्बेसीज क्या होती है, बिजनेस करने के लिए नहीं होती। अब हुआ क्या, लेकिन अगर इंडिया में कोई एम्बेसीज हैं, नेपाल दूतावास ठीक है ना, यूएस एम्बेसीज, काउंसलेट, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके एसी तो लगे ही रहते होंगे, इनके यहाँ पे एसी ख़राब भी हो सकते हैं, उनकी सर्विस भी चाहिए, हो सकता है इन्हें कंप्यूटर की भी सर्विस चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इस एम्बेसीज में रहते तो हैं लेकिन ये इंडिया से कुछ सर्विस भी लेते हैं। तो जीएसटी जब सिस्टम बनाया गया तो जीएसटी में कोशिश ये की गई कि भाई कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट ना हो, ठीक है ना, हालांकि बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति इन एम्बेसीज को ठीक है ना कोई भी सर्विस देगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है, सर्विस टैक्स में एग्जेम्प्ट थी लेकिन जीएसटी में क्या बोला गया कि इन एम्बेसीज को जो भी सर्विसेज देगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब ये एम्बेसीज वाले कह रहे भाई साहब कपिल जैन ने अगर ठीक है ना इनके कंप्यूटर ठीक करने के 1 लाख का बिल ले लिया और उस पर जीएसटी लगा दिया 18%, 18,000, वो कह रहे हम इस जीएसटी का करेंगे क्या, आप हमसे टैक्स ले क्यों रहे हो, हम यहाँ कोई बिजनेस थोड़ी करने जा रहे, ठीक है ना। तो बात समझ आई मोदी जी को भी, यार सही बात है, ये एम्बेसीज है ये तो बिजनेस कर नहीं रही। तो उन्होंने कहा यार अब सिस्टम बन गया है तो ठीक है, ऐसा करना कि तुम एम्बेसीज अपना एक जीएसटी नंबर अप्लाई कर देना। उन्होंने कहा हम क्यों करें जीएसटी नंबर अप्लाई, हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। कह रहे नहीं, जो भी व्यक्ति तुम्हें जीएसटी का बिल लगा कर देगा वो तुम रिफंड क्लेम कर लेना। अब ये जो एम्बेसीज थी ये बड़ी परेशान हो गई, उन्हें पता था यार यहाँ तो जीएसटी बड़ा खतरनाक है, नंबर कैसे मिलेगा कैसे नहीं। तो गवर्नमेंट्स ने इनके लिए अलग ही प्रावधान बना दिए और इन्हें क्या बोला कि हम आपको जीएसटी नंबर ना देकर हम आपको एक नया नंबर देंगे जिसे हम बोलेंगे यूआईएन। क्या बोलेंगे, यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर सिर्फ इन्हीं लोगों को अलॉट होगा और जब इन लोगों के नंबर अलॉट होगा तो ये व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएंगे। सर क्यों नहीं कहलाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो भी व्यक्ति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा उसे रजिस्टर्ड पर्सन बोल देंगे, लेकिन अगर किसी यूआईएन वाले व्यक्ति ने किसी के पास अगर यूआईएन नंबर हुआ तो हम उसे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानेंगे। सर ये डेफिनेशन कहाँ पर है, ठीक है पढ़ लो, Section 2, Clause 94 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड
ठीक है, ए पर्सन मीन्स ए पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, कि जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है सारे के सारे पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन माने जाएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग अ UIN नंबर। तो अगर कोई भी एम्बेसीज वगैरह है वैसे हम उन्हें GST में रजिस्टर्ड कर देंगे। तो सर फिर रजिस्ट्रेशन कराई क्यों रहे इनका? मैंने आपको क्या बताया था, इनका रजिस्ट्रेशन बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि इन पर जो GST लगकर आएगा उन्हें हमें रिफंड देना है। तो बिना एक नंबर के तो रिफंड मिलेगा नहीं। तो यहां पर इस बात को जरा ध्यान रखना कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना सेक्शन 25 में 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलना है, अप्लाई करना है, वो कह रहा नहीं वो सब भूल जाओ। नॉट विद स्टैंडिंग क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 एनी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट काउंसलेट। वर्ड्स को ध्यान रखना, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आ सकता है, काउंसलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है लेकिन तुम्हें उसमें PhD तो करनी नहीं है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ दिख जाए, एम्बेसीज, फॉरेन कंट्री, काउंसलेट, तो समझ जाना कि इन सब लोगों को क्या मिलेगा, UIN नंबर। क्या मिलेगा? UIN नंबर। क्या सर UIN नंबर किसी और को भी मिल सकता है? यस, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है, अगर हम चाहेंगे तो कमिश्नर नोटिफाइड कर देगा किसी पर्सन को कि इन्हें GST नंबर ना देकर UIN नंबर दो, ठीक है। तो जब इन्हें UIN नंबर मिल जाएगा तो किस पर्पज के लिए मिलेगा इन्हें? बोलो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिफंड के लिए मिलेगा। तो शैल बी ग्रांटेड ए UIN नंबर इन सच मैनर एंड फॉर सच पर्पज इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस। मेनली इनका पर्पज क्या है? रिफंड ऑफ टैक्सेस एज ऑन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय देम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट है रजिस्ट्रेशन का, UIN होल्डर्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? UIN होल्डर्स। किसको मिलता है ये? एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज को। क्लियर हो गया? यस सर, ये क्लियर हो गया। 10, 11, 12, ठीक है, तीन सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि भाई ये जो आपको GST नंबर दे रहे हैं, चाहे हम आपको UIN नंबर दे रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे UIN नंबर है, ये आपको जो भी ग्रांट किया जाएगा हम वेरिफिकेशन करेंगे सारी चीजों की, तभी आपको ग्रांट होगा। और हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ये तुम्हारे पास पूरी जिंदगी के लिए है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसे रिजेक्ट भी कर देंगे आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वैसे तो GST नंबर या UIN नंबर की आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, लेकिन अगर हमें कुछ गड़बड़ मिली तो हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने पूछा कि भाई कोई सर्टिफिकेट वगैरह दोगे? हमने अप्लाई करा, उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा इन सच फॉर्म, तो उस फॉर्म का नाम है REG 06, आपके एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन फॉर्म नंबर ज़्यादातर नहीं आते, फिर भी REG 06 बोलते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अभी हम आगे चल के क्या पढ़ेंगे? आगे चल के टाइमलाइन पढ़ेंगे कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा और अप्लाई करने के इतने दिनों के बाद ऑफिसर्स को आपको GST नंबर दे देना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर ऑफिसर उतनी टाइमलाइन में आपको GST नंबर नहीं देता? तो आपके एग्जाम में कंसेप्ट आ जाएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो आप डीम्ड रजिस्ट्रेशन को इससे मिक्स मत कर देना, क्योंकि डीम्ड रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा मैं सेक्शन 26 में, और यहां पर भी एक वर्ड आएगा डीम्ड, ये किसमें आएगा? सेक्शन 25(12) में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, तो लोग बाग इससे मिक्स कर देते हैं, मिक्स मत करना इसे। तो सर क्या मतलब है सेक्शन 25(12) में? उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई तुमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा या UIN नंबर के लिए अप्लाई करा और ऑफिसर ने टाइम लिमिट जो थी उस टाइम लिमिट में आपको नहीं दिया, तो आप खुद ब खुद मान लेना कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिल गया। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता लेकिन थ्योरी में ही लिखा है। पढ़ो सेक्शन 25(12), ए रजिस्ट्रेशन और ए UIN नंबर शैल बी डीम्ड टू हैव बी ग्रांटेड, कि आप इसे क्या मान लेना कि आपको मिल ही गया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अंडर सबसेक्शन 10, कि जो सबसेक्शन 10 में टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसके अंदर अगर ऑफिसर आपको नहीं देता
तो आप ये मान लेना कि आपको मिल गया इफ़ नो डेफिशिएंसी हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। और ऑफिसर ने आपको ये भी नहीं बताया कि भाई आपकी एप्लीकेशन में ये गलती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है और ऑफिसर ने आपको नहीं भी दिया रजिस्ट्रेशन, तो आप डीम्ड अप्रूवल मान लेना रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होता लेकिन थ्योरी में ये लिखा हुआ है। चलो, तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 25 कंप्लीट हुआ। अब सर सेक्शन 25 का एनालिसिस करा दीजिए। देखिए, हम जब GST पढ़ रहे हैं ICI के स्टडी मटेरियल से, तो इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं सेक्शन पढ़ाते पढ़ाते सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब कि पूरा बेयर एक्ट। इसके बाद कि आपका रिवीजन हो जाए या आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए, तो मैं आपको इसका एनालाइज पढ़ाता हूँ। एनालाइसिस के अंदर हमारे कुछ रूल्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और कुछ चीज़ें अगर हमारी ऊपर छूट गई हैं, तो वो भी कवर अप हो जाती है। तो मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई ये एनालिसिस वाला पार्ट एक बार घर से रीड जरूर करें, ठीक है ना। अगर मैंने वो सेक्शन आपको पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं। तो क्या है एनालिसिस? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय सेक्शन 25 रेड विद रेलिवेंट CGST रूल्स। तो क्या सर हमारे कोर्स में रूल्स भी हैं? आंसर इज यस। जो जो रूल्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने, और अगर कहीं RTP, MTP, पास्ट ईयर क्वेश्चन सजेस्टेड में कोई रूल आ जाएगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो आप तब भी अच्छे नंबर लेकर आ जाए, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय द सेक्शन रेड विद रेलिवेंट CGST रूल्स, रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ CGST रूल्स। सर लेकिन सेक्शन 22 में तो कोई रूल नहीं था, 23 में तो कोई रूल नहीं था, 24 में तो कोई रूल नहीं था। हमेशा समझिएगा रूल्स किसका है, रूल्स है प्रोसीजरल पार्ट का, क्योंकि सेक्शन 25 कहता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो उसके लिए तो रूल आएंगे ही ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन से रिलेटेड आपको रूल्स मिले, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको रूल्स मिले, तो आपको वो रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर, क्लियर है, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 25 रेड विद रेलिवेंट CGST रूल्स, रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ CGST रूल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन रेलिवेंट प्लेस। जहाँ जहाँ रूल्स की जरूरत है इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना बेटा, पिछले 5-6 सालों से मैं प्रोफेशनल्स को पढ़ा रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, ठीक है ना, अकाउंटेंट्स, इन सबको पढ़ा रहा था। वहाँ से बहुत प्यार मिला मुझे। यह यूट्यूब चैनल उन्हीं की वजह से ग्रो हुआ है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दिल से। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से, ठीक है, बीच बीच में पिछले 5 सालों से भी या अभी कुछ दिनों से CA इंटर को पढ़ा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ इस पर पढ़ाने में। तो जो लोग CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे सच सच बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये सही एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपका लेवल है उस तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ CGST रूल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एट द रेलिवेंट प्लेसेस, फर्दर स्पेशल प्रोविजन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27, ठीक है, इसके लिए हमने क्या बोला था कि सेक्शन 27 सिर्फ दो ही लोगों पर लगता है। किस पर? एक तो CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दो लोगों पर लगता है। सर क्या होते हैं, याद कर लो दोबारा से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम क्या किसे बोलते थे कि भाई कोई व्यक्ति UP से है, हरियाणा से, दिल्ली में ट्रेड फेयर लगाने आ रहा है, दिल्ली में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हम उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते थे। और उसे क्या कहते थे, रजिस्ट्रेशन अगर तुझे लेना है दिल्ली में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, तो विद इन 30 डेज नहीं लेगा, 5 दिन पहले करा लियो, एडवांस में टैक्स दे दियो, ठीक है जी। यस सर। और सेम चीज़ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बोलते थे, कोई नेपाल से आ गया, कोई पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया ट्रेड फेयर में, तो उससे क्या कहते थे, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना, एडवांस में टैक्स दे देना, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, ठीक है जी। यस सर। कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन एलोबरेटेड अंडर सेक्शन 26, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं,
ठीक है। हाँ, डीम्ड अप्रूवल है सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 सब सेक्शन 12 जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, कि अगर ऑफिसर ने अप्रूव नहीं करा तो उसे क्या बोलते हैं, डीम्ड अप्रूवल। तो डीम्ड अप्रूवल को मिक्स नहीं करेंगे किसके साथ, डीम्ड रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अंडर जीएसटी द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक एट द कॉमन पोर्टल। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालोगे तो वो कौन से पोर्टल पर डालोगे, तो आप सिंपल लिख देना gst.gov.in, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये चार पोर्टल्स हैं, इनमें से किस पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जाएगी, तो सबसे जो फेमस पोर्टल है जिस पे सारे काम होते हैं वो gst.gov.in है। बाकी कुछ पोर्टल्स हो रहे हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, कि ये जो फॉर्म एंड फॉर्मेट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगभग 30 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि सीजीएसटी रूल में हमने बता रखे हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें अपनी नॉलेज पर्पज के लिए चाहिए तो यहाँ चले जाना, एग्जाम पर्पज के लिए ये नहीं है। फॉर एवरी प्रोसेस इन द रजिस्ट्रेशन चेन सच एज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अब मैं आपको बता दूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालते हो, उस फॉर्म को नाम दिया गया इन्होंने REG01 का, जो एक्नॉलेजमेंट पास होती है उसे बोलते हैं REG02। अगर उसमें ऑफिसर को लगता है कुछ गलती है, कुछ पेपर कम दिए हैं, तो उसे बोलते हैं REG03। अगर उसे अपनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना होता है, तुमने रिप्लाई करा और उसने रिजेक्ट कर दी, उसे बोलते हैं REG05। सर्टिफिकेट के लिए बताया ही था मैंने, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, REG06। सो कॉस नोटिस जो कैंसिलेशन का होता है उसका भी अपना फॉर्म होता है, उसका रिप्लाई का भी फॉर्म होता है, अमेंडमेंट का भी फॉर्म होता है। फिर अगर ऑफिसर को ये लगता है कि तुमने आधार वेरीफाई नहीं कराया, उसे डाउट हो रहा है, डाउट क्या हो रहा है कि भाई आधार वेरीफाई नहीं करा, इसे रजिस्ट्रेशन मत दो, पहले इसके जो एड्रेस इसने डाला उस पर जाकर विजिट करो, तो वो उस एड्रेस पर जाकर विजिट करते हैं। जब वो उस एड्रेस पर जाकर विजिट करते हैं और ये मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, तो उन्हें एक फील्ड रिपोर्ट, फील्ड विजिट रिपोर्ट, इसे क्या बोलते हैं, फील्ड विजिट रिपोर्ट, अभी हम पढ़ेंगे। आई थिंक इसका रूल नंबर 25 है। तो रूल 25 में क्या लिखा रहता है कि भाई फील्ड विजिट रिपोर्ट आप दो, कि तुम वहाँ गए थे, तुम्हें क्या मिला क्या नहीं, इसका भी फॉर्म है, ठीक है। इसके सबके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो ये प्रोसेस जो है पूरे ऑल ओवर कंट्री में सेम है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान है, ठीक है। टाइमलाइंस दी हुई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कि भाई आपने अप्लाई करा, ऑफिसर इतने दिन के अंदर चेक कर लेगा, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हम पढ़कर आ चुके हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में कि भाई अगर आप सेक्शन 22 या 24 में लायबल हो 30 दिनों के अंदर करना है, और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल या NRTP हो तो 5 दिन पहले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति की टर्नओवर एक्सीड कर गई 1 नवंबर को, तो उसे रजिस्ट्रेशन कब तक अप्लाई कर लेना है, 1 दिसंबर तक, 30 दिनों के अंदर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, 25-2 रेड विद रूल 21। तो इन्होंने क्या बोला था, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन देंगे, एक से ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन क्या बोला है, पढ़ो एक बार, रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, कि भाई आप हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं है, भविष्य में आ सकता है। ए बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांचेज इन मल्टीपल स्टेट, अगर आपकी मल्टीपल स्टेटेज में ब्रांचेज है तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक ही स्टेट में डिफरेंट ब्रांचेज है, ठीक है, तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हो, एक को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दो और एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दो। और अगर आप एक से ज़्यादा लेना चाहते हो सेम स्टेट में, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन और फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस विद इन ए स्टेट, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। सर कौन से दो केसेस हैं, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था भाई, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, SCZ वाला, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है, ठीक है, तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द टैक्स पेयर हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, कि अगर आपके एक स्टेट्स में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो मैंडेटरी नहीं है,
टू सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच सच प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट। एक स्टेट में आप 50 आपकी दुकानें हैं, एक ही बिजनेस, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल लेंगे, लेकिन तुम्हें ऑप्शन दिया तुम्हें लेना है तो आप हर सेपरेट बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, लक्ष्मी नगर के लिए अलग, ठीक है ना, और क्या कहते हैं नेहरू प्लेस के लिए अलग। ठीक है, अलग स्टेट है तो अलग लेना ही लेना है। हाउएवर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी ग्रांटेड प्रोवाइडेड ऑल सेपरेटली रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन मे पे टैक्स अप्लाई ऑन गुड्स और अनदर पर्सन। मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि लेट सपोज आपने एक ही स्टेट में लक्ष्मी नगर में भी एक रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपने एक रजिस्ट्रेशन नेहरू प्लेस में ले लिया, और अगर आप इसके बीच में सप्लाई करोगे तो इस रिश्ते को क्या नाम दिया था मैंने, कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो यहाँ पर इस बात को लिखा है कि अगर आप एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले लेते हो और इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है ना, वो टैक्स इनवॉइस भी इशू करेगा उस पर्सन को, ठीक है ना, नॉर्मल उन दोनों का अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा, और सच पर्सन इशू एस टैक्स इनवॉइस, ठीक है ना, फॉर एंड बिल ऑफ सप्लाई सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दोनों बिजनेस के लिए अलग अलग जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ए प्लेस ऑफ बिजनेस शैल सबमिट ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के अंदर वेरिफिकेशन होगी कि भाई किसका ओटीपी जाएगा क्या, वो रूल 9 और 10 में है, अभी हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार इसे रीड कर ले। सिंपल सा कहता है वो व्यक्ति कि भाई एक सप्लायर है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अब उसके अंदर ना 3 ब्रांचेज है उसकी, एक मुंबई में, एक पुणे में और एक महाबलेश्वर में। ठीक है, तीनों के महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। अब उसकी इच्छा है या तो वो मुंबई पुणे महाराष्ट्र तीनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले ले, ठीक है, क्योंकि तीनों बिजनेस अलग, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है, या वो चाहे तो तीनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो क्या कहता है, मुंबई एंड पुणे ब्रांच एंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स और महाबलेश्वरम शूज, ठीक है ना, तो 2 ब्रांचेस कपड़ों का काम करती है, एक जूतों का काम करती है। तो अब आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकता है कि भाई 2 लेने पड़ेंगे, एक जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, ऐसा नहीं है। आप एक रजिस्ट्रेशन में 50 काम करो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको अलग लेना है तो अलग ले लो। आइदर इट कैन ऑप्टेन ए सिंगल रजिस्ट्रेशन, कि वो चाहे तो वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, एक को बना देगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी को बना देगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना जी, क्लियर है। और अगर वो चाहे तो तीनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है, और अगर वो चाहे, ठीक है ना, अगर वो चाहे तो गारमेंट्स के लिए अलग ले ले और शूज के लिए अलग ले ले, तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, उसके ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर, ये क्लियर हो गया। अब आगे चल के हम तुम्हारे को एक चैप्टर पढ़ाएंगे कि जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके 2 रास्ते खुल जाते हैं। कभी प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा, उसमें ये पूछेगा आपसे कि भाई आपको सेक्शन 9 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 पढ़कर आ चुके हैं, या आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए लेना है, कंपोजिशन स्कीम मतलब सेक्शन 10। अब एक व्यक्ति बड़ा चालाक, उसने कहा यार दोनों के ही मजे ले लेता हूँ, तो उसने क्या बोला, साहब ऐसा करो दिल्ली में तो सेक्शन 9 के अंदर दे दो और यूपी में सेक्शन 10 के अंदर दे दो। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होता। उसने कहा चलो अच्छा ऐसा करो दिल्ली में 2 रजिस्ट्रेशन दे दो, लक्ष्मी नगर वाला तो सेक्शन 9 में दे दो और नेहरू प्लेस वाला सेक्शन 10 में दे दो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि भाई हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो ये जीएसटी नंबर चाहे जितने मर्जी ले लो, पैन नंबर तो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक पैन नंबर पे एक ही स्कीम चलेगी, एक पैन नंबर पे एक ही स्कीम चलेगी, या तो वो सेक्शन 9 की स्कीम होगी या वो सेक्शन 10 की स्कीम होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो क्या एक पैन नंबर पर, ठीक है, 2 स्कीम चल सकती है? आंसर इज नो। तो क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्या लिखा है, इफ ए पर्सन इज पेइंग टैक्स फॉर 1 और हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर नॉर्मल स्कीम, कि अगर उसका बिजनेस नॉर्मल स्कीम में, मतलब नॉर्मल स्कीम मतलब सेक्शन 9, ही शैल नॉट पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन
लेवी फॉर एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, कि वो और बिजनेसेस के लिए कभी भी कंपोजिशन नहीं ले सकता। समझ में आई कहानी? यस सर। इफ वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस सेपरेटली रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन बिकम इनएलिजिबल टू टैक्स पे अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब हुआ क्या कि वो कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी लेकिन वो उसके लिए इनएलिजिबल बन गया, एक बिजनेस बन गया। एक व्यक्ति ने क्या कर रखा था कि चलो भाई तुम अगर मुझे नहीं दे रहे अलग अलग, तो उसने दिल्ली में भी कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी, यूपी में भी, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रीमिसिस थी जिसने वॉयलेशन कर दिया कंपोजिशन स्कीम का, तो इसका मतलब सब लोगों को अब कंपोजिशन ख़त्म करके नॉर्मल में आना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह नॉर्मल एक जगह कंपोजिशन। तो ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन शैल बिकम इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो नटशेल में कहानी क्या है? नटशेल में कहानी क्या है? या तो भाई कंपोजिशन में हो सब लोग, या सबके सब नॉर्मल में एक ही स्कीम मिलेगी, ठीक है ना जी। रूल 9 और 10 हमने आपको बताई दिया वेरिफिकेशन के, अभी आपके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि वैसे 22 और 24 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहो तो वॉलेंट्री करा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। हावेवर वंस ए पर्सन ऑब्टेन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसकी टर्नओवर 40 लाख 20 लाख 10 लाख से क्रॉस करे या ना करे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर रामलाल है, ठीक है ना, उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन टर्नओवर 5 लाख है। अब वो ये कह रहा है कि भाई जब तुम 10 लाख 20 लाख तक टैक्स ही नहीं लेते तो मैं भी टैक्स नहीं दूंगा, क्या उसका कथन सत्य है? नहीं, वो बिल्कुल कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया मतलब तुम्हारी शादी की उम्र थी ही नहीं, ठीक है ना, तुमने फिर भी शादी कर ली, तो भाई अगर तुमने शादी कर ली तो अब तो बीवी को घुमाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात को? हाँ जी सर, मेरी बात आपकी बात समझ आ रही है, तो क्लियर हो गई या नहीं? तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो, अगर ले लिया तो टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, और आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो फिर सर लोग भाग लेते क्यों हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन? आईटीसी का फ्लो होता है उसके लिए, ठीक है। देखो जो मैंने ये आपको पढ़ाया कंसेप्ट सेक्शन 25 फोर और फाइव में, तो ये जो फोर और फाइव का डीम डिस्टिंग पर्सन का कंसेप्ट पढ़ाया, ये इन्होंने क्या बोला कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जब दूसरी बुक पढ़ेंगे ना वहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करा दिया, दोबारा भी आपको पढ़ा दूंगा। 25, 6 और 7 बताई दिया कि भाई पेन नंबर चाहिए होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें पेन नंबर नहीं चाहिए, भाई नॉन रेजिडेंट के केस में पेन नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूआईएन नंबर की कहानी पढ़ी हमने, ठीक है ना, यूआईएन नंबर की क्या कहानी पढ़ी कि भाई कुछ लोग होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये वाले लोग, इन लोगों को एम्बेसीज फॉरेन कंट्री, इन्हें यूआईएन नंबर लेना होता है जीएसटीन पोर्टल से, ठीक है। अब हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई तुमने जीएसटी में बोला था हर स्टेट में हर एक रजिस्ट्रेशन लेना है, यहाँ पर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसका एक एक्सेप्शन बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन यूआईएन वालों के लिए, किसके लिए जी, यूआईएन वालों के लिए जो नंबर दिया जाता है वो सेंट्रलाइज दिया जाता है, ठीक है ना जी। यूआईएन ग्रांटेड इज ए सेंट्रलाइज यूआईएन, मतलब कि अगर हमने, ठीक है ना, यूएस एम्बेसी को दे दिया तो हो सकता है यूएस एम्बेसी एक दिल्ली में हो, एक मुंबई में हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक केरल में हो, ठीक है, या उनके आपस में छोटे ऑफिस हो, जो भी हम उन्हें जिस भी नाम से बुलाएं। तो इस वाले केसेस में उन लोगों को सेंट्रल रजिस्ट्रेशन से ही काम कर जाएगा, ठीक है। ए पर्सन हैविंग यूआईएन नॉट रजिस्टर्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि जो यूआईएन नंबर होते हैं वो रजिस्ट्रेशन तो लेते हैं लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते, तो इसलिए कभी भी वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होते, ठीक है जी, ठीक है। तो सर यूआईएन वालों को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है? प्रॉपर ऑफिसर अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है, वैसे, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन में 7 दिनों का टाइम लग जाता है, लेकिन यूआईएन वालों को मिनिस्ट्री से भी कई बार रिकमेंडेशन आ जाती है भाई इन्हें फटाफट यूआईएन नंबर दो, तो उन्हें 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर यूआईएन नंबर मिल जाता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था शू मोटर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि ऑफिसर को शक होता है और आपकी प्रीमिसेस पर जाता है और वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जो हम रूल 8, 9, 10 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
रूल 8, 9, 10 सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से समझ लेना भाई। इसमें क्या कहता है कि भाई जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो हम चेक करेंगे तुम्हारी एप्लीकेशंस वगैरह कि एप्लीकेशन आपको रूल 8 के अंदर देनी है, वेरिफिकेशंस होगी रूल 9 के अंदर, फिर सर्टिफिकेट देंगे। तो ये रूल हर जगह लगेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर ये रूल नहीं लगेंगे। सर कौन से ऐसे लोग होंगे? जिनका विशेष तरह का रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हुआ उस पर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। जिन लोगों को TDS डिडक्ट करना है, ठीक है, उन पर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। जिन्हें TDS कलेक्ट करना है उन पर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा, ठीक है। जो OIDR वाले, ये सारे हमने सेक्शन 24 में पढ़े थे, ठीक है, फाइनल लेवल पर है ही हमारे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि नॉर्मल रूल किन पर नहीं लगेगा, तो समझ लेना इन चार लोगों पर नॉर्मल रूल नहीं लगता। सर नॉर्मल रूल कहता क्या? कहता है प्रोसीजर रिलेटेड, ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल एंड इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि एप्लीकेशन करी, वेरिफिकेशन करा, फिर सर्टिफिकेट दिया, आर कंटेंड इन 8, 9, 10 रेस्पेक्टिवली, द सेम हैव टू बी रीड इन कंजक्शन विद सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो हम पढ़ गए उसके साथ हमें पढ़ना है। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब 8, 19 ऑल्सो एप्लीकेबल ऑफ पर्सन पेइंग टैक्स कंपोजिशन की। तीन लोगों पर लगता है, चार पर नहीं लगता। तीन कौन कौन हो गए भाई? नॉर्मल वाला, कंपोजिशन वाला और कैजुअल वाला, ठीक है, और वॉलेंट्री वाला, चार। इन चार लोगों पर ये लगेंगे रूल्स, और किन चार लोगों पर नहीं लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर तो इन चार पे क्या लगेगा? इनके सेपरेट रूल होते हैं, आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो क्या लिखे हैं रूल्स में जरा रूल पढ़ लो। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोसीजर फॉर ईच ऑफ द एफोर्सेड पर्सन। इन चार के लिए अलग अलग रूल बना दिया और उन चारों को एक ही रूल में बोल दिया कि तुम्हारा एक ही रूल से काम हो जाएगा। प्रोसीजर रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज़ बीन, बट प्रोसीजर फॉर अदर थ्री पार्टी हैव बीन कवर्ड इन फाइनल लेवल, ठीक है। तो भाई NRTP का प्रोसीजर आपको डिस्कस कर देंगे, लेकिन बाकी के तीन फाइनल लेवल पर है तो आपको नहीं करना। और जो शुरू के चार थे हमारे कौन से? नॉर्मल, कंपोजिशन, कैजुअल, वॉलेंट्री। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो ये कह रहे हैं इन चारों लोगों को रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन देनी होती है REG 01 में देनी होती है। REG 01 के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। सर ये एक बार हमें दिखा दोगे कैसा होता है? हाँ बिल्कुल, मैं पोर्टल पे, अगर आप कहोगे तो आपको पोर्टल पे भी दिखा दूंगा। तो पोर्टल पे जब हम जाते हैं तो पोर्टल का नाम होता है हमारा, आपको पता है ना पोर्टल का नाम क्या होता है? यस सर, हमें हमारे को पता है, www. ठीक है ना, GST.gov.in। आप इस पोर्टल पे जाते हो और यहाँ पर ये फॉर्म आ जाता है रजिस्टर्ड नाउ। तो जब आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, जब आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्म खुल जाता है। तो इस फॉर्म के अंदर दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में आपसे पूछेगा भाई आपका, ठीक है ना, आप ये बताओ आप हो कौन? सर मैं टैक्स पेयर हूँ। सर आप किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो? सर मैं दिल्ली में कराना चाहता हूँ। सर दिल्ली में कहाँ कराना चाहते हो? सर मैं ईस्ट दिल्ली में कराना चाहता हूँ। आप बताओ आपके पैन कार्ड पे आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा सर मेरा नाम कपिल जैन है। आपका पैन नंबर क्या है? अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये बेसिक डिटेल आपकी पूछता है। तो ये जो बेसिक डिटेल पूछने के बाद आपसे प्रोसीड करता है तो इसे बोला जाता है पार्ट ए। क्या बोला जाता है? पार्ट ए। तो जैसे ही आप पार्ट ए फिल कर देते हो, तो उसके बाद, ठीक है ना, आपको एक नंबर मिल जाता है, उसे बोलते हैं TRN नंबर, ठीक है ना, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है। फिर उसके बाद आपको पार्ट बी भरना होता है। बस आपको इतना ही प्रैक्टिकल समझना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है ना, कि ये अप्लाई कहाँ पर होगा? सबके लिए पोर्टल बना हुआ है। तो लिखा है इन एडर टू कैटर द नीड ऑफ टैक्स पेयर हु आर नॉट IT सर्वे फैसिलेशन सेंटर। अब क्या था कि भाई कई लोगों को पोर्टल ही चलाने नहीं आता, तो गवर्नमेंट्स कह रही है कि फैसिलेशन सेंटर खोलेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने खोले हो ना खोले हो, लेकिन CA की प्रैक्टिस, प्रोफेशनल की प्रैक्टिस बढ़ गई है, ठीक है, उनके पास ये बहुत सारा काम आता है। तो लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में आया तो क्या है कि भाई जो लोग पोर्टल चलाना नहीं जानते, तो उसके लिए क्या है, फैसिलेशन सेंटर गवर्नमेंट्स खोल दिए, विच हेल्प्स टू टैक्स पेयर इन सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई एप्लीकेशन सबमिट कर ली, कुछ गलती हो गई, अमेंडमेंट फाइल कर दी, सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कैंसिलेशन कराना उसके लिए, रिवोकेशन, अभी आगे सारी टर्म्स आएंगी,
ठीक है ना। फैसिलेशन सेंटर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटलाइजेशन एंड अपलोडिंग द फॉर्म। तो ये जो फैसिलेशन सेंटर होते हैं यही अपलोड करते हैं। तुम्हें कोई आसपास मिले तो बताना मुझे, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। SCZ का मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता ही दिया था। SCZ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो SCZ होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। चाहे उस स्टेट में एक नंबर और है, लेकिन भाई SCZ में जा रहे हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करो। प्रोविजन टू सेक्शन 25(1) हम पढ़कर आए हैं। SCZ क्या होता है मैं बता चुका हूँ। ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो नियम होते हैं बहुत लिबरल होते हैं, ठीक है ना, अदर पार्ट ऑफ कंट्री से। मतलब उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाता है। SCZ इज कंसिडर टू बी प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर ऑल टैक्स पर्पज। जो व्यक्ति SCZ में लेकर बैठा है तो ये मानेंगे वो विदेश में बैठा है, तो उसे सारे VIP ट्रीटमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए SCZ के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन जाती है। तो क्या लिखा है, पर्सन हैविंग यूनिट इन SCZ, SCZ डेवलपर हैव ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर मेरे पास UP में नोएडा में एक रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिट एक SCZ में हो, तो मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो देयर मे बी ए केस कि जिसमें टू यूनिट्स ऑफ ए टैक्स पेयर इन सेम यूनियन टेरिटरी या सेम स्टेट में हो, ठीक है, दो यूनिट हो लेकिन दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वन इन SCZ और दूसरी आउटसाइड SCZ, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि उसकी दो यूनिट्स है UP में, एक SCZ में और एक अनदर, तो दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसे लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई सर कहानी? हाँ जी कहानी क्लियर है। यस सर कहानी क्लियर है। अब आपको ये जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्ट है ये मैं आपको समझाऊंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन का जो ये चार्ट है आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, कैसे कैसे, कितने दिन का टाइम लिमिट है, क्या कहानी है, ये सारी की सारी हम इस चार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो आप लोग? यस सर रेडी है, ठीक है ना। तो चार्ट ज़रा समझिएगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ और फील करी है कि वीडियो जब आपकी लंबी हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है वीडियो में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, आपको शॉर्ट शॉर्ट करें। तो इस चार्ट को समझाने में मुझे लगभग आधा घंटा आपको लगेगा, ठीक है ना। तो आप रेडी है आधे घंटे के लिए या नेक्स्ट वीडियो में करना है? हाँ जी बोलिए। हाँ इसी वीडियो में करना है या नेक्स्ट वीडियो में करना है? सर ऐसा करना है नेक्स्ट वीडियो में कराना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। और अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी, थैंक यू।